38 भी डाल दिया। ये देखो कौन सा आते हो कितनी ट्रिलिंग कर रहा है, एक एक जगह से देखो, ये देखो बहुत ही शानदार ट्रिलिंग कर रहा है 0.18 गन्ना। तो प्रयास देखते हैं कितना बढ़िया रहता है। इसमें थोड़ा बहुत मोथा घास हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये तो कल्टीवेटर निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी उन्हें लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम साथियों मैं खिलंदर भाई जी का खेत का भी हाल दिखाऊंगा आपको। बहुत ही ज़्यादा मोथा हो रहा है उसमें, मैंने भैया जी से कहा स्प्रे करेंगे तो एक दो दिन में स्प्रे करेंगे उसमें। देखो ट्रिलिंग आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो किसान भाइयों, आप जैसे सभी किसान साथियों को पता है कि 0.18 गन्ने की बुआई की गई थी। संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा आज मैं आपको। किसान साथियों इसमें पेड्डी थी इस खेत में, और खिलंदर भाई जी ने भी हमारे साथ बुआई की थी, उसका भी मैं थोड़ा सा वो दिखाऊंगा आपको खेत, और अपना भी खेत दिखा रहा हूँ आपको। किसान साथियों सबसे पहले तो इसमें पेड्डी थी, पेड्डी कटाई करने के बाद इसमें सबसे पहले तो हैरो निकाली गई। हैरो निकालने के बाद फिर इसमें मैंने सोचा कि एमबी पिलाव निकाला जाए, एमबी पिलाव का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो किसान साथियों इसमें एमबी पिलाव भी निकाला गया। मेरे भाई जी तिसोत्रे से आए थे अमित भाई जी, उन्होंने एमबी पिलाव निकाला गया, बहुत ही शानदार एमबी पिलाव निकाला था। और एमबी पिलाव निकालने के बाद इसमें फिर हैरो से जुताई की, फिर इसमें टीला निकाला गया, फिर इसमें कंप्यूटर लगवाया गया, कंप्यूटर मांझा लेबलर लेवल करवाया गया इस खेत का। और लेवल करवाने के बाद इसमें मैंने ट्राइकोडर्मा डाला गया जैविक खाद में, जैविक खाद डाला था इसमें। और जैविक खाद डालने के बाद इसमें जुताई करने के बाद मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा डाला गया डाली थी इसमें ट्राइकोडर्मा, मिल द्वारा मिली थी ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा डालने के बाद इसमें फिर हमने इसकी बेहतरीन करके जुताई करवा के फिर इसमें गन्ने की बुआई की गई। वैरायटी 0.18 है। संजीव भैया जैसे ही पता है आप सभी को, संजीव भैया ने वैरायटी लगा रखी है 0.18, और शानदार वैरायटी है, बढ़िया वैरायटी है 0.18। किसान साथियों खेत आप देख ही सकते हो कितना शानदार है। चौड़ाई इसकी वही है 4 फीट। क्या हमारे संजीव भैया जी ने इस गन्ने की बुआई की है, कीवाई थी कि ट्रंच करके देखो एक बार। वैसे तो मेरे मन में था कि यार क्या ट्रंच की बुआई ज़रूर करेंगे हम, क्योंकि सभी कहते हैं कि ट्रंच में लाभ है लाभ है, तो अब की बार पता लग जाएगा लाभ है नहीं। दो आँख का पेंडा बुआई की थी इसमें। किसान साथियों मैं आपको फर्टिलाइजर की जानकारी देने का प्रयास करूँ तो इसमें DAP, सल्फर पोटास एवं रिजेंट की एक शीशी थी, और यूज मैस की शीशी थी, और अभी तक इसमें कोई भी डोज नहीं लगाई गई। 10 अप्रैल को इसकी गन्ने की बुआई की थी मैंने, और लगभग जर्मिनेशन इसका बहुत ही बेहतरीन हुआ है, लगभग गोल पकड़ चुका है। अब इसमें कल्टीवेटर खिंचवाएंगे और आगे वो जो भी डोज की प्रक्रिया होगा मैं आपको वीडियो बनाने का बनाता रहूँगा। तो आप ट्रिलिंग देख सकते हो, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जर्मिनेशन इतना बढ़िया हुआ है 0.18 गन्ने का, बहुत बढ़िया ट्रिलिंग आप देख सकते हो। इसमें माहे का पैर लग रहे हैं, ये सूत्र ने माहा आया था जब गारा और था, नमी बारिश पड़ी थी। किसान साथियों ट्रिलिंग आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त पौधा हुआ है 0.18 गन्ने का। मात्र 10 अप्रैल को इसकी बुआई की थी, और आज किसान साथियों 7 मई है। ट्रिलिंग आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हो रही है, शानदार ट्रिलिंग कर रहा है गन्ना। और 38 ही इसमें थोड़ा सा 20 थोड़ा पड़ गया था, और उधर 38 भी बो दिया था हमने जहाँ 20 थोड़ा पड़ गया था, क्योंकि 38 फिर मका यार इसमें को थोड़ा सा 38 डाल दो, तो इसमें से 38 भी डाल दिया। ये देखो कौन सा आते हो कितनी ट्रिलिंग कर रहा है, एक एक जगह से देखो, ये देखो बहुत ही शानदार ट्रिलिंग कर रहा है 0.18 गन्ना। तो प्रयास देखते हैं कितना बढ़िया रहता है। इसमें थोड़ा बहुत मोथा घास हो रही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये तो कल्टीवेटर निकलने के बाद थोड़ी थोड़ी उन्हें लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों मैं खिलंदर भाई जी का खेत का भी हाल दिखाऊंगा आपको। बहुत ही ज़्यादा मोथा हो रहा है उसमें, मैंने भैया जी से कहा स्प्रे करेंगे तो एक दो दिन में स्प्रे करेंगे उसमें। देखो ट्रिलिंग आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हो रही है। जर्मिनेशन के मामले में मैंने अभी तक 2 वैरायटी पास की है, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन है 15.023 एवं 0.18 का। 0.18 का बढ़िया जर्मिनेशन मानता हूँ मैं। ये देख सकते हो कितना बढ़िया, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन हो रहा है। किसान साथियों मैं आपको लेके चलता हूँ खिलंदर भाई जी के खेत में। ट्रिलिंग आप देख ही सकते हो कितनी ज़बरदस्त हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिलिंग हो रही है। एक दौरे से जमा खड़ा है। दो आँख का पेंडा की बुआई की गई थी, और कोई भी डोज नहीं लगाई गई अभी इसमें। और मैं भैया जी का खेत दिखाना चाहूँगा आपको। गोल तो वही पकड़ चुका है, और मोथा ज़्यादा हो रहा है घास, मोथा घास
और स्प्रे करवाएंगे उसमें। ये देखो ये भैया जी का खेत था, ये देखो मोथा किस कदर है इसमें। अब इसमें स्प्रे करवाए देंगे, वैसे तो गोल पकड़ चुका है ये भी, पर मोथा घास देख ही सकते हो कितनी ज़बरदस्त हो रही है, पूरा खेत को जकड़ लिया है मोथे घास ने, बहुत ही ज़्यादा मोथा घास हो रही है देख ही सकते हो इसमें। अब फिर बारिश पड़ गई, भैया जी से कहा था कल्टीवेटर निकालने को, पर इसमें बारिश पड़ गई इसलिए कल्टीवेटर निकालने का टाइम भी नहीं मिला। तो अब जो इसमें भैया जी आज दवाई लाए हैं, हाँ तो वो अब जो इसमें स्प्रे करेंगे भैया जी। इधर इसी खेत में थोड़ा सा एक दो पुली बची थी 14-1 की, वो भी डाल दी गई थी। 14-1 भी दिखाने का प्रयास करूँगा आपको मैं, शानदार टिलिंग हुई उसकी भी 14-1 की भी। चलता हूँ आपको किसान साथियों, ये देखो ये 14-1 है, ये देखो दोहरा दोहरा जम रहा है 14-1, टिलिंग कर रहा है वैसे थोड़ी थोड़ी, अभी तो बुआई की भी ज़्यादा दिन नहीं है। ये भी 10 अप्रैल को भी बुआई गई थी इसकी भी, ये देखो टिलिंग कर रहा है बढ़िया, ये भी इतनी ज़बरदस्त ट्रिलिंग कर रहा है। और ट्रिलिंग के मामले में ये भी ऐसी बात नहीं, ये भी बहुत ही अच्छी ट्रिलिंग करी है इस गन्ने ने भी, 0.8 देखो गोला गोल चमक गया है ये भी। तो इसमें थोड़ा सा मोथा घास हो रहा है इसलिए दिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वैसे दिख रहा है सब कुछ गोला गोल, पर मोथा घास ज़्यादा हो रही है। इसमें से मिट्टी खींचकर ऊपर के दौरे पर गई थी, ये खेत बहुत गहरा था तो ऊपर से खींच के मिट्टी आई थी और इस दौरे पर आई थी, तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रभाव पड़ा है की बार, कोई बात नहीं, चलो मोथा घास मर जाएगी, अब जो स्प्रे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों संजीव भैया जी भी एक दो दिन में वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, संजीव भैया की पेड्डी का बहुत ही शानदार उत्पादन देगी अक्की बार भी पेड्डी, जैसे उनकी ट्रिलिंग कर रही है, ट्रिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त कर रहा है गन्ना पेड्डी, तो उसकी वीडियो बनाने का जल्दी प्रयास करेंगे। तो किसान साथियों वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अगर किसान साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अच्छा, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।